अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जब भी हम वीडियो बनाने जा रहे होते हैं तो हमारी लाइट गई होती है ना, पति तो लाइट गई ना, आज सारा दिन लाइट नहीं गई, लाइट इतनी ज़्यादा जाती है कि वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिलता। और आज तो सारा दिन लाइट नहीं गई क्योंकि संडे है। और अभी देखें इस टाइम गई है, 5:30 बजे गई है ना, अब देखें कब आती है और कब अब काम होगा और कब हमारी वीडियो बनेगी। तो चले हम किचन में लेके चलते हैं आपको, आज हम क्या क्या बना रहे हैं। आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं, जो बच्चों ने फरमाइश करी थी। फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ और समोसे बना रही हूँ। बाकी चीज़ें तो आपको पता है, पकोड़े, आलू वाले पकोड़े, वो तो रोज़ाना ही रोज़ की रूटीन में बनते हैं। तो आज थोड़ा सा रोज़ाना डिफरेंट डिफरेंट, कल चाट बनाई थी दही वाली, चना चाट, और आज ये बना रही हूँ। तो चले आए आपको दिखाते। तो ये देखिए, ये मैंने फिलिंग बनाई है उसकी, समोसे की फिलिंग बनाई है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, लग रही है ना वरीरा। तो ये इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, इसमें मैंने चिकन ली थी, बॉईल कर लिया था चिकन को बॉईल कर लिया था, और बारीक बारीक मैंने क्या कहते हैं शिमला मिर्च, और बारीक चॉप की थी मैंने गाजर और बंद गोभी, और ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके वेजिटेबल्स उन्होंने कुछ तो बना दिया। नहीं, सारी चीज़ें तेल डाला, तेल डालने के बाद फिर मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी थी, चिकन और ये सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद थोड़ा सा एक चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा नमक और सोया सॉस को मिला के फिर मैंने उतार लिया था। तो देखें कितना देखने में भी ज़बरदस्त लग रहा है, टेस्ट करके देखा इतना मज़े का। और बरेरा ने तो टेस्ट भी किया, बरेरा कह रही बहुत मज़े का है। तो चले मैं आपको ये समोसा, ये देखिए, ये भी मैंने घर में बनाई है, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, समोसा पट्टी मैंने घर में बनाई है। तो चले मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ किस तरह बनाना है समोसे, ठीक है वरीरा जी। हाँ चलें, ये फिलिंग जो है ये हमने रख ली है समोसे के ऊपर। बरीरा खाए जा रही है, बरीरा का मुंह नहीं रुक रहा, पता है आप लोगों को, बरीरा कल से रोज़ा होगा। ये हमने इस तरह से करा और फिर इसको हमने इधर मुंह घुमाया ये ताकि हमारे कोने जो है ना अच्छी तरह से बंद हो जाए। सही बरीरा, आपको आते बनाना, बरीरा को खाना आता है ना, खाना आता है अच्छे से। और ये किसी को सीखना है तो बता दें। ये इस तरह से मैंने इसको पलट लिया, ठीक है, और ये मैंने इधर से यूं कर लिया और ये हमारा बन गया वेजिटेबल समोसा। बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। ये देखें, तीन मैंने बना दिए हैं, ये रखे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा परफेक्ट ये वाला है। चलें, छोटे बड़े तो बनते हैं, कोई बात नहीं, परफेक्ट बना ये वाला, परफेक्ट है। अच्छा शेप में चलें, और ये भी दिखाते हैं, ये हमारे फ्रेंच फ्राइज की तैयारी हुई। हाँ, ये फ्रेंच फ्राइज और फ्रेंच फ्राइज को ये कैसे किया था मामा आपने? अच्छा, फ्रेंच फ्राइज मैंने काटने, ये फ्रेश फ्राइज ना मैंने काटने के बाद ठंडे पानी में, इनको अच्छी तरह से ठंडा पानी, खूब ज़्यादा चिल्ड पानी होना चाहिए, उसमें डिप कर दिया। फिर इनको निकाल के मैं अच्छी तरह से ड्राई करूँगी, ड्राई करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। मैंने फ्रेंच फ्राइज निकाल ली हैं, जो कार्टून कटिंग करने के बाद मैंने डिप करे थे ठंडे पानी में, और इनको मैंने अच्छे से ड्राई करने के बाद आपको सही से भी दिखा देती हूँ, सही से दिखा देती हूँ, ये करके ये निकाल दिए। चलो ठीक है, और ये मैंने अच्छे से ड्राई कर ली है, आपको अच्छे से ना किसी चावल में नहीं, मैं बताती हूँ, किसी ने चादर वगैरह किसी साफ चीज़ पे रख के उसको ना सही से क्रश कर लीजिएगा जी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे मम्मा, ऑयल में डबोगे? इसमें ना चावल का आटा मिलाऊंगी और फिर नहीं, चावल का आटा सही मिलाऊंगी और इसमें फ्रेंच फ्राइज बाहर में तो पता नहीं क्या फ्राई करूँगी। और चले मैं किचन में लेके चलती हूँ। ये रहा हमारा चावल का आटा और ये जो फिलिंग बच गई है, तो ये नेक्स्ट टाइम हमारे काम आ जाएगी। नहीं, ये मैं खा लूँगी। नहीं जी, नहीं मैं खा लूँगी, इसे मैं रख देती हूँ नेक्स्ट समोसे के लिए और बनाने के लिए कल या परसों जब भी बनाएंगे, ठीक है। और ये मैंने चावल का आटा निकाल लिया, चावल का आटा, और इसमें फ्रेंच फ्राइज में लगाऊंगी मैं, और इसका कवर लगा के खूब अच्छी तरह से हिलाऊंगी ताकि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, और ठीक है, वाइट वाइट ये चावल का आटा, बता तो रही हूँ, अच्छा सुना नहीं मैंने। सीखो सीखो खाना पकाना सीखो, कब सीखोगी पता नहीं है, जब बड़ी होंगी। और ये खूब बड़ी होगी, ये देखिए, ये अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ,
बेचारे फ्रेंच फ्राइज ये, और अभी और लगेगा चावल का आटा। सीखो, कब सीखोगे आप? अभी आप इसको सीखो। और ये मैंने और डाल दिया इसमें, इसको मैं दोबारा से खुश कर। इसी तरह आप भी मिक्स कर लीजिएगा। आसान तरीका बता रही हूँ आपको आसान तरीका। ये देखें ये कितना अच्छा मिक्स हो गया, ये आप देखें कितना। चिकन पाउडर में डालना चाहिए? चिकन पाउडर तो बाद में डलेगा बेबी, बनने के बाद। हाँ चले, अब मैं इसको रख देती हूँ और फिर बाद में हम फ्राई करेंगे, ठीक है। और ये हमारा गोश्त भी बॉयल हो गया, ताकि क्योंकि बीफ है ना बहुत देर में गलता है, तो मैंने पहले से बॉयल कर लिया है। थोड़ा सा गोश्त बनाया है मैंने बनाने के लिए, क्योंकि है ना ये शमील और अयान जफी वगैरह ये बदीरा बोटी नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैं बॉयल करा, ताकि हमारा गोश्त जो आज मैं बनाने जा रही हूँ, क्या बना रही हूँ पता नहीं, अचार गोश्त। कल हमने चावल बनाए थे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो फिर अचानक छोले बॉयल थे तो छोले वाले चावल बना लिए थे मैंने। और ये मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसको मैं बनाऊँगी बीफ अचार गोश्त। तो कल मेरे छोले के चावल बनाए थे, बजीर आपने खाए थे ना, अच्छे बने थे ना? बहुत अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बने थे। तो ये पानी भी निकाल लेती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत गोश्त रह गया तो वो भी और आराम से इसमें गल जाएगा। चलें अब ये इसको धो लूँगी, और हमारा असर का टाइम भी हो रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है, तो फिर हम नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलेंगे। तो ये देखिए, ये जो थोड़े थोड़े बर्तन जो है मैं धोती जाती हूँ, ताकि ना बहुत ढेर सारे बर्तन निकल जाते हैं, इसलिए मैं जो भी हाथ में आते हैं वो धोती जाती हूँ, किचन साफ रहता है इस तरह से, है ना बदीरा? कभी कभार बदीरा तो आपको पता है काम करती ही नहीं है। अरे और ब्लॉग में तो दिखाया था, बस ऐसी थोड़ा बहुत जी नहीं, बर्तन हल्का फुल्का। अच्छा बच्चे के जो, अच्छा नाराज तो नहीं हो? रमजानों के जो बर्तन होते हैं वही मैं ही धोती हूँ। नहीं नहीं नाराज नहीं हो भाई, हाँ करती हैं करती, लेकिन अभी मैं खुद नहीं करवाती बदीरा से काम, बदीरा से अभी होता नहीं है। तो ये मैं बताने का मकसद ये कि बर्तन मैंने जो देखे किचन साफ हो रहा है, बर्तन नहीं है कोई खास, मैं जो भी बर्तन निकलते जाते हैं हाथ के बर्तन की जाती, बस जो इफ्तारी के बर्तन होते हैं बस वही होते हैं, फिर बाद में इफ्तारी के बर्तन मैं धोती हूँ। एक दफ़ा धोए आपने? दो, पहले भी धोती हूँ, सारी भी धोती थी। हाँ चलो, ये हमारी धुल गई है, ये हमारे ऑस्ट्रिच जैसा वो है टैप, क्या ऑस्ट्रिच जैसा टैप है ये हमारे फ्रेंच फ्राइज जो हैं, देखिए मैं फ्राई करने के लिए रखे थे इनको, मैंने डीप करके रख दिए थे फ्रीज़र में और ठंडे होने के लिए, तो क्रिस्पी क्रिस्पी से बन रहे हैं काफ़ी। और मैंने चावल का आटा आपके सामने ही लगाया था, बदीरा और आपके सामने, बदीरा आपके सामने भी लगाया था, तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से बन रहे हैं चावल के आटे की वजह से। अब मैं इसमें मसाला लगाऊँगी, मसाले में क्या क्या लगाऊँगी, चिकन पाउडर, नमक मिलाऊँगी और चाट मसाला। तो बस ये हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार होने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर और इनको फ्राई करूँगी। ये मम्मा हमारे यहाँ पे समोसे मज़े मज़े के फ्राई कर रही हैं, ये देखिए ये समोसे फ्राई कर रही हूँ, और तेल गरम था तो मैंने जल्दी जल्दी पकौड़ों के बाद फिर ये मैंने समोसे डाल दिए, और बस थोड़ी देर में ये फ्राई भी होने वाले हैं। और ये हमारे फ्रेंच फ्राइज भी देखिए रेडी हो चुके हैं, और इसमें मैंने चाट मसाला, नमक, और अभी मसाला मुझे कम लग रहा है, अभी थोड़ा और डालूँगी, क्योंकि ये बच्चे मसाला तेज़ खाते हैं। तो ये समोसे भी हमारे जो है फ्राई होने वाले हैं, मज़े के लग रहे हैं क्रिस्पी क्रिस्पी से, और मेरे मुँह में तो गरम गरम हवा आ रही है। ये हमारे जो समोसे हैं ये फ्राई हो चुके हैं, तकरीबन होने वाले हैं, और इसी समोसे के साथ मैं आपसे इजाज़त दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो के साथ भी मिलते हैं इंशाल्लाह, हम फिर कल मिलेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।